ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई एडवांस में। और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लोग देंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से जाली जुगाड़ टेक्निक लगता है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास जेई एडवांस के अंदर में लगती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमने जेई मेन के लिए कोर्स लॉन्च किया था, नीट के लिए कोर्स लॉन्च किया था, एमएचटीसीटी कॉमेट के सारे बच्चों को, चाहे वो वीआईटी हो, अलग अलग एग्जाम्स में मैंने डब्ल्यूबीजेई में बच्चों को हेल्प करा, उसी तरीके से जेई एडवांस के लिए यहां पर एक एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोगों के सामने आया है। यहां पर आप लोग पोस्टर देख सकते हो। ये जो कोर्स है इसमें तुक्का टेक्निक्स नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि तुक्का उक्का मारना सिखा करके एडवांस क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स में जेन्युइन जो गाइडेंस होती है, जेन्युइन जो स्ट्रेटजीज होती है, जेन्युइन जो चीजें हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा होता है, जिससे कम टाइम में लोग अपने जे एडवांस के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्रैक करने के सिचुएशन में नहीं है, बट वो क्रैक कर सकते हैं इस कोर्स को देखने के बाद में, चीजों को अप्लाई करने के बाद में। प्लस इस कोर्स में एडिशनल ये सारी चीजें हैं कि इससे आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होने वाला है। मतलब नॉट जस्ट इस एग्जाम के लिए, आपको लाइफ लॉन्ग, चाहे आपके जॉब हो, करियर हो, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगे, तो आपका पूरा का पूरा परसेप्शन जिंदगी को देखने का यहां पर बदलने वाला है इस कोर्स को देखने के बाद में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो काफी टाइम से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एकदम से कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है और एकदम से तुक्का ट्रिक देख के सोच रहा है जे एडवांस क्रैक हो जाएगा 10 दिन में, तो वैसा नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सही गाइडेंस चाहते हैं एडवांस के लिए प्लस लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहां पर आप लोगों को क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा स्कैन करने के लिए, आप लोग स्कैन करके मेल कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को पेटीएम, गूगल पे, ये सारे वॉलेट नंबर्स अगर चाहिए होंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उनसे आप वॉलेट नंबर, पेमेंट डिटेल, सारी चीजें लेकर के पेमेंट करके जो है हमें स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। कोर्स की डिलीवरी आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में मिलती है और ये कोर्स छोटा सा है, इसको आप लोग जल्दी से कवर अप भी कर सकते हो। 1-2 घंटे के अंदर में आप लोग कोर्स को कवर अप भी कर लोगे और फिर उन सारी चीजों को अप्लाई करके अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है अचीव कर सकते हो, जेई एडवांस में भी और आगे के जिंदगी में भी। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने जे एडवांस के क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से होगा, क्या होगा, आप लोगों को समझाऊंगा मैं। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हो जे एडवांस 2016 का, और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो जे एडवांस 2015 का। अब जे एडवांस में ऐसा एक परसेप्शन बच्चों का बना हुआ है कि यार हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के माइंड में ऐसा होगा कि जे एडवांस क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, ऐसा चीजें आप लोगों के दिमाग में होगी। बट आज आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि जे एडवांस में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और बहुत ईजिली आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप लोग काफी ज्यादा इसमें फायदा उठा सकते हो। यहां पर आप एक क्वेश्चन देखो 2015 का, तुक्का टेक्निक तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये देखो, यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 18 डेज दिया हुआ है, ठीक है, हाफ लाइफ की वैल्यू आपको 18 डेज दी हुई है और मिनिमम नंबर ऑफ डेज आपको यहां पर चाहिए। तो अब आप अगर ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको यहां पर बेसिकली सिखा रहा हूं 18 5 90 होता है, तो ये हम बोल सकते हैं 18 5, राइट। उसके बाद में 18 6 हमारे पास में 108 होता है, राइट, 18 6 108 होता है। बट आप ये देखोगे 64, ये तो 18 के मल्टीपल में ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि चलो 18 3 54 होता है, 54 के बाद में 10 आ रहा है, अगर 9 आता तो मैं समझता कि 3.5 हाफ लाइफ ऐसा कुछ हो, बट यहाँ पे 3. ऐसा ना गंदा सा हाफ लाइफ टाइप का चीज़ आ रहा है, तो चांसेस कम बनता है ना कि ये 64 आंसर हो, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप 120 को देखोगे, तो 120 को भी जब आप देखोगे तो 108 के बाद में 12 ऐड करना पड़ेगा, तब 120 आएगा। तो या तो ऐसा होता 18 18 18 फिर 9 जुड़ जाता, तो मैं एक समझ सकता था बात कि हाँ 2.5 हाफ लाइफ है, इस टाइप की चीज। बट यहां पर आप देखोगे तो ये 6.5 नहीं है, ये मतलब 6.5 से भी थोड़ा ज्यादा, 6.67 ऐसा कुछ कुछ तो भी टाइप का है, और यहां पर भी आप देखोगे तो 3 समथिंग एरा गेरा टाइप का है। So, अगर हम ध्यान से ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हमको समझ में आएगा कि ये दोनों आंसर होने के चांसेस कम है, बिकॉज ये आपको 64 टाइम्स दे रहा है, तो कुछ भी आप अगर सॉल्व वॉल्व करोगे तो वो एक नंबर में आएगा, राइट, आधा करोगे 32, वो सारी चीजें आप लोग को मैं अभी समझाऊंगा। बट इतना समझ में आ रहा है कि चांसेस आर हाई, क्योंकि 18 के मल्टीपल में 2 आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं 18 के मल्टीपल में रहा होगा। जो बच्चे हैं जिनको सॉल्व करना नहीं आता उनको मैं बता रहा हूं, अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता तो भी आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि 18 के मल्टीपल में 2 ऑप्शन है, मतलब कि 18 के मल्टीपल में शायद आंसर रहा होगा, और बाकी जो 2 ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, 90
और 108, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक तुक्का लगा सकते हो, 90 और 108 में आप लोग एक तुक्का यहां पर लगा सकते हो। समझ में आपको बात? तो आप लोग क्या करो, सिंपल सा जाओ कमेंट सेक्शन में, जैसे आप लोग को मैं सिखाता हूं बाकी के एग्जाम्स में, मैंने आप लोग को बताया कमेंट करने को, तो जेई एडवांस में भी आप लोग ऐसे कमेंट करोगे, इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तुक्का लगा के फिर आप देखो कि आपका क्या सही होता है। अब जेई एडवांस में क्या होता है ना, प्लस 3 माइनस 1 का पैटर्न होता है, तो उसमें जय माता दी नहीं करना आप लोगों, जब तक आप लोग के पास में कोई लॉजिक ना हो, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट ना हो जाए, तब तक आप लोगों को जेई एडवांस में तुक्का नहीं लगाना है, बिकॉज चार में एक भी अगर आपका सही होगा तो उधर से प्लस 3 मिलेगा, बाकी 3 गलत होगा, तो कुल मिला के बात बराबर ही हो गया, नील बटा सन्नाटा जीरो ही हो गया। तो जे एडवांस में ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन करे बिना कभी भी तुक्का आप लोगों को नहीं लगाना है, ठीक है। सो यहां पर हम लोग दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, हमारे पास में एक लॉजिक है, एक थॉट है, तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा चांस ले सकते हैं। अब इन दोनों में से आप लोग कमेंट करो, जाकर के लिखो कि तुक्का, आप अपने प्रेडिक्शन लिखो कि आपका तुक्का बी है या फिर सी है, फिर मैं आप लोग इसका करेक्ट आंसर थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, जब तक आप लोग जाकर के कमेंट कर दो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका तुक्का सही हुआ या फिर गलत हुआ। सही होने पर प्लस 3 मिलेंगे, गलत होने पर माइनस 1 मिलेंगे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2015 के क्वेश्चन में। यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग एचसी वर्मा सॉल्व करते हो तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा में मिलेगा, मतलब सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ी बहुत वैल्यू आपको चेंज मिलेगी। मतलब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जहां तक ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है जो सिमिलर एकदम एचसी वर्मा में आपको मिलेगा, मुझे याद नहीं है कौन सा, बट दो में एक क्वेश्चन सिमिलर आपको सेम सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत बस चेंजेस आपको दिखेगा। बट एनीवेज, अगर आप कोई सा भी बुक सॉल्व करते हो, चाहे आप स्कूल लेवल के भी बुक सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, एचसी वर्मा तो बहुत दूर की बात होगी। तो यहां पर हमको बोल रहा है कि 12.5% है, अगर आप क्वेश्चन वेश्चन आप पढ़ लेना, आप पढ़ना चाहो तो, बट यहां पर 12.5% है, तो आप सोचो इसमें होगा क्या। बेसिकली आप पहले 100 पोजिशन पे थे, ठीक है, उससे 12.5 तक आने में कितना टाइम लगेगा, पहले आधा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद और आधा हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर और आधा हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हाफ लाइफ हुआ, फिर ये दूसरा हाफ लाइफ हुआ, और ये तीसरा हाफ लाइफ हुआ, तो टोटल हमारे पास में कितने हाफ लाइफ हो गए 12.5 तक पहुंचने के लिए, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 3 हाफ लाइफ हुए। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, हाफ लाइफ की वैल्यू टी दी हुई है, और यहां पर NT मतलब कि N की वैल्यू पूछा है, तो आंसर क्या होगा, N की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, आंसर यहां पर हमारे पास में 3 होगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो अब एक बात बताओ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, सपोज कर लो आप जेई एडवांस 2016 के एस्पिरेंट हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए ना आपको, बट बहुत सारे बच्चे करते नहीं है। अब अगर आप 2016 के एस्पिरेंट हो और अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया 2015 का, घर में आपको एक साल का टाइम मिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, आपने कर लिया, अब आप 2016 में गए, सोचो अब आप 2016 में गए, यहां पर आपको बोल रहा है 64 टाइम्स है, 18 का हाफ लाइफ है, तो 64 टाइम्स है, मतलब 64 गुना है, तो 64 का आधा होगा 32, 32 का आधा होगा 16, 16 का आधा होगा 8, है ना, फिर 8 का आधा होगा 4, 4 का आधा होगा 2, 2 का आधा होगा वो वाला लेवल जो हमारे पास में है, 64 टाइम्स है, तो उस लेवल पे पहुंचने में कितना हाफ लाइफ लगा, 1, 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर 6, 6 हाफ लाइफ लगा, 6 हाफ लाइफ लगा, तो 6 को 18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 90 18 6 108, तो 108 हमारे पास में आंसर में है, तो हम लोग इसको जो है मार्क कर देंगे, सी हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। तो तुक्का टेक्निक ये था कि हम लोग यहां पर दो ऑप्शन एलिमिनेट करें हमारे उस लॉजिक से, उसके बाद में ये हमारे पास में चीट कोड्स है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर के देखोगे, जो मेरा जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो प्लेलिस्ट है, ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, जिसमें 250 से ज्यादा एपिसोड्स अब हमारे पास में लगभग हो गए हैं, उसका अगर आप पहला एपिसोड जाकर के देखोगे, तो मैंने सारे डोमेन्स बताए थे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, ऑप्शन एलिमिनेशन, डायग्राम अप्रोच, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी है उसके अंदर में ये लाई करता है, ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का रिपीटेड क्वेश्चन वाला कैटेगरी है, जिसमें आप देखोगे एकदम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है, बोर्ड्स में भी आता है, वही चीज हमारे पास में यहां पर है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया, करना वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही है, आप लोगों के आंसर फट से आते हैं, ठीक है। सो ये चीज जो है, अब ये एडवांस स्टेप के क्वेश्चंस बार बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि एक दो बार पूछा है, और भी कई बार पूछा है, तो इसीलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो। पिछले 30-40 सालों में एडवांस में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अब नए कंसेप्ट ही नहीं बचे, मतलब सारे कंसेप्ट पे एडवांस ने क्वेश्चन पूछ ही लिया है 30-40 सालों में। तो अब जब भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो कई बार वो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड आ जाते हैं, थोड़े से उसी पैटर्न के आ जाते हैं, जो आप लोगों के कंसेप्ट आपको क्लियर होता है, आप फट से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बताओ, आप लोगों का इतना एक हवा बना होता है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, ये होता है, वो होता है, देख के नहीं लग रहा कि एक्चुअल में मेंस से भी इजी सवाल है, मेंस में भी ऐसे सवाल कई बार नहीं आते, इससे भी टफ आते, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है, चीट कोड्स आपका एडवांस में बहुत ज्यादा तुक्का टेक्निक्स वगैरह काम नहीं करेगा, उन सब के एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, बच्चे मुझे बोलते रहते तुक्का टेक्निक्स बताए ये वो, ये एक क्वेश्चन में यहां पर लग गया तो मैंने आपको बता दिया,
मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, कम क्वेश्चंस में लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहां से रिपीटेड क्वेश्चन के कैटेगरी में जरूर जे एडवांस के अंदर में आएंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। जे एडवांस में तुक्का टेक्निक्स बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होते हैं, बहुत कम अप्लाई होते हैं, तो जे एडवांस के अंदर में आप लोगों को पढ़ना भी पड़ता है, तुक्के टेक्निक्स थोड़े बहुत ही आपके अप्लाई होंगे, लेकिन पूरा का पूरा पेपर आपका तुक्के से बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दुनिया में जो तुक्के से हो जाए, लेकिन जेई मेन नीट के सारे एग्जाम में तुक्के वगैरह थोड़े ज्यादा लग जाते हैं, जेई एडवांस में बहुत ही कम लगते हैं। तो आप लोगों को साथ में पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप लोगों को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके स्ट्रेंथ डेवलप होते हैं, आपके स्टैमिना डेवलप होते हैं, जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वो आपका बदल जाता है। जब आप जे एडवांस के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हो तो एक अलग इंसान आपके अंदर से निकल करके आता है। एक एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोगों के लिए जे एडवांस वाले बच्चों के लिए बनाया है, जो कि आपको सिर्फ जे एडवांस में नहीं बल्कि आगे के लाइफ में भी आपको काम आने वाला है। यहां पर आप लोग उसका पोस्टर देख सकते हो, कम टाइम में जे एडवांस में किस तरीके से अपना मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है। बहुत सारे बच्चे जो अभी क्रैक करने के सिचुएशन में नहीं है, वो इस कोर्स को देखने के बाद में उन सारी चीजों को अप्लाई करके शायद जे एडवांस क्रैक भी कर लेंगे। यहां मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जे एडवांस में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं और लाइफ लॉन्ग फायदा उठाना चाहते हैं, नॉट जस्ट इस एग्जाम में बल्कि लाइफ लॉन्ग फायदा आप लोगों को इस कोर्स से होगा, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। यहां पर क्यूआर कोड स्कैन करने को दिया, आप लोग स्कैन करके मेल कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को वॉलेट नंबर्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक होगा उस पर क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो और उनसे पेमेंट डिटेल्स लेकर जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। मेल करने के 2 से 3 घंटे में आपको जो कोर्स की डिलीवरी मेल पर ही मिल जाएगी और आप लोग उस कोर्स को 1-2 घंटे में कंप्लीट भी कर सकते हो और उसको अप्लाई करके अपने जिंदगी को बदल सकते हो। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।